फर्स्ट टाइम फ्लाइट में, और दीदी क्या बोल रही है, उड़ता हुआ बस से ही है, हाँ कि उड़ती हुई बस में बैठे हुए हो हैं यू। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो, अच्छे हो, मज़े में, बढ़िया हो। तो गाइज इट इज़ राइट नाउ 5:51 इन द मॉर्निंग एंड ऑलमोस्ट 6 o'clock हो रहे हैं सुबह के। नम्रता दीदी रेडी है, मैं रेडी हूँ और हमारी पैकिंग हो चुकी है। बस मम्मी पापा थोड़ा सा रेडी होना बाकी है और थोड़ा सा पैकिंग करना और बाकी है। हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ और अभी हमारी फ्लाइट है 8 बजे की, है ना, 10 बजे की फ्लाइट है। और उस वजह से हम लोग गांव में रहने का नुकसान है हमारा नहीं, उल्लासनगर गांव नहीं है बट बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से हम लोग 5 o'clock उठे थे, सब लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दी वेरी फर्स्ट फ्लाइट? दिख गई एक्साइटमेंट, दिख गई हमको। बहुत अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हो रही है और हम लोग फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे हैं। हम लोग का फर्स्ट टाइम है यार ये वाला एयरपोर्ट पर। ये हर एक को इतनी सारी बैग्स है, ये देख सकते हो इतनी सारी ट्रॉलियां, ऐसे लग रहा है देश छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, देश छोड़ के। Guys, we are at Indian Sahara International Airport. I am so excited and nervous at the same time. Guys, मैं first time airport पे हूँ, मतलब legit मेरा first time है यार। वो इंडिगो देखो वहाँ पे। बहुत nervousness हो रही है और confusion हो रही है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। और हमारी इंडिगो फ्लाइट है, इंडिगो। अलग ही चीज है। आर यू एक्साइटेड मम्मी? लाइक मम्मी और मेरा सबका ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट टाइम ही है बट नम्रता दीदी आ चुकी हैं, मेरे मामा आ चुके हैं। ओह माय गॉड, नम्रता दीदी, आलिया भट्ट इन द हाउस। मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। गाइस देख रहे हो कैसा चल रहा है। कल दोपहर में ऑलमोस्ट, हाँ दोपहर में मैं शार्ट स्टेशन पे था और आज मैं एयरपोर्ट पे हूँ। वहाँ पे भी दीदी डिस्टर्ब कर रही थी, यहाँ पे भी अनाउंसमेंट होके दीदी डिस्टर्ब कर रही है। बट इज वेरी ग्रेट यार, मतलब कुछ नया चीज़ है, कुछ नई चीज़ देखने मिल रही है कि ऐसा भी होता है। बिकॉज़ यार एयरपोर्ट पे जो फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए हर एक चीज़ न्यू ही है। अब इतनी सारी चेकिंग होती है, वेटेज होता है, इतना सारा मैनेजमेंट होता है, थैंक्स टू नम्रता दीदी एंड माय मम्मी। और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है, मतलब इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें देखनी रहती है, बैगेज का वेट देखना रहता है। आज के नाश्ते में हमारे पास मूंग का फुल्का और कोकी और ब्रेड बटर। फिर अभी हम सब लोग फटाफट से यहाँ पर खा ले रहे हैं बिकॉज बोल रहे हैं जहाँ पर अगर एक बार अंदर बोर्डिंग हो गई तो वहाँ पे खाना अलाउड नहीं है। बट पता नहीं है अलाउड है कि नहीं है, बट फिर भी हम सेफर साइड से पहले खा लेते हैं। यू नेवर नो, बोल रहे हैं पानी भी अलाउड नहीं है। बट यार फर्स्ट टाइम है बट मज़ा बहुत आ रहा है यार। ये तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा है, एयरपोर्ट इज़ जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ मॉल। और अभी 9:30 की हमारी बोर्डिंग थी, टाइम बहुत कम है, नहीं तो यार हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते थे बिकॉज यहाँ पे स्टारबक्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, सनग्लासेस स्टोर्स हैं और कॉफ़ी शॉप्स, एक और द फ्रेश हाउस करके स्टोर है। इट इज़ राइट ऑन 9:35 और अभी हमारा 10 बजे का एग्जैक्ट फ्लाइट है, तो हम लोगों को अभी प्लेन में जाके बैठना पड़ेगा। एंड आई एम रियली काइंड ऑफ स्कैर्ड और मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, ये फीलिंग अलग ही है। फर्स्ट फ्लाइट है यार, लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट है। Boarding to the airport, airport plane, Indigo flight and all। दीदी पहले ही लेट हो गए।
पहले ही लेट हो गए यार, उसमें भी दीदी को फोटो चाहिए, बूमरैंग चाहिए। फाइनली मम्मी कैसा लग रहा है प्लेन के अंदर, फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत बहुत, सोचो हाईजैक हो गया तो। You need to just say passengers evacuate, evacuate, evacuate in case of emergency, okay? Emergency में ये सब चीज़ें करनी है आपको, और मेरी मम्मी को emergency door मिला हुआ है। मम्मी अगर यहाँ से emergency हुई तो सबकी जान आपके हाथ में, ठीक है? पहले मैं ही फंस जाऊँगी। पैराशूट है आपके पास? फर्स्ट टाइम फ्लाइट में, और दीदी क्या बोल रही है, उड़ता हुआ बस से ही है, हाँ? कि उड़ती हुई बस में बैठे हुए हो हैं? यू चीप पीपल, कभी फ्लाइट में बैठे नहीं हो, उसको बोलते हो? नहीं यार, हाँ काइंड ऑफ यार, हमारा फर्स्ट फ्लाइट। गाइस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पीछे रिवर्स में चल रहा है, फिर रिवर्स लेके फू करके फास्ट चलेगा। वेरी नर्वस। अच्छे से तोड़ा लेगा ना पायलट, प्लीज आई एम नर्वस। नमस्ते मजा क्लब वेलकम्स यू इन दिल्ली। हेलो, बहुत ज्यादा शोर है यार। हेलो, तो गाइस अभी हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में हालत देख रहे हो कैसी हो रखी है, हालत शक्ल ही पूरी खराब हो गई है। और ये टेस्ट रॉयल 40, सुबह के 10 बजे हम लोग मुंबई में थे और अब दोपहर के 12:40 को दिल्ली में भी आ चुके हैं, और 2 घंटे में हमारी दूसरी फ्लाइट है। और फर्स्ट फ्लाइट में ऐसा हो गया गाइस कि फर्स्ट फ्लाइट ही पहली बार हम लोग ट्रेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन बोल रहा हूँ यार, देख रहे हो मिडिल क्लास चीज़ें कि कैसे ट्रेन ही ट्रेन निकलता है बार बार। आज तक प्लेन में बैठे नहीं है, पहली बार प्लेन में बैठ रहा हूँ गाइस, और उसके बाद 2 बार प्लेन में बैठ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में ही, मतलब ले ओवर जिसे कहते हैं, मतलब पहले दिल्ली पे उतरे, अब दिल्ली से हमारी दूसरी फ्लाइट है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ मतलब अर्ली, अभी 2 घंटे के बाद है। 2 बजे से कितने बजे पहुँचा देगी मामा? 3 बजे, 1 घंटे में पहुँचा भी देगी चंडीगढ़। उसके बाद पूरा दिन घूमेंगे हम लोग, लेकिन जिस तरह हालत है लगता नहीं है घूम पाएंगे हम लोग, इतनी सिचुएशन। मतलब एक्सपीरियंस बहुत अजीब ही था फर्स्ट टाइम का, ऐसे टेंशन आ रहा था उड़ा लेगा ढंग से, नहीं उड़ा लेगा, लेकिन अच्छे से उड़ा लिया। विश्वास था पायलट पे। गाइस अभी हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैं, और यहाँ पर एयरपोर्ट पे मतलब अनवांटेडली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। मतलब जो नॉर्मल रेट रहता है ना, उससे 10 times ज़्यादा है। मतलब मैंने अभी एक यहाँ पर कैडबरी का चॉकलेट मिल रहा है यहाँ पर, और वो 500 या 600 का मिल रहा है, जो कि बाहर आपको बहुत कम बजट में मिल जाता है। तो जिस दिन आप एयरपोर्ट पे कैजुअल से शॉपिंग करने लग जाओ कि यार आपको जो चाहिए आप उठा रहे हो, उस दिन आप समझ लेना आप बहुत ज़्यादा अमीर हो।